नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की सुबह सुबह की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज एक खास और महत्वपूर्ण खबर से। यह खबर या इसे सूचना कह सकते हैं, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल देश में अगले कुछ दिनों के अंदर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है और लोगों के बीच टीकाकरण का काम भी शुरू होने वाला है। इसी बीच लोगों के पास अब ऐसे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं जो कोरोना वैक्सीन का ऑफर दे रहे हैं और लोगों से आधार कार्ड की जानकारी मांग रहे हैं। और अब पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का फोन कॉल्स या मैसेज आए जिनमें आधार कार्ड की संख्या मांगे या किसी प्रकार की ओटीपी मांगे तो आपको संभल जाना चाहिए। साइबर क्राइम के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि लोगों को ऐसे फोन कॉल नहीं अटेंड करना चाहिए या फिर ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करनी चाहिए जो कोरोना वैक्सीन का ऑफर कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि साइबर फर्जीवाड़ों की तरफ से यह एक प्रयास है ताकि संवेदनशील जानकारी लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा सके। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार के लिए राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस योजना से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सीएम गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों को निःशुल्क गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज भरतपुर दौरे पर रहेंगे। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में पायलट शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सचिन पायलट भरतपुर पहुंचेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दे। सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। इसके लिए हनुमान बेनीवाल ने जयपुर जिले के दर्जनों कस्बों में तूफानी जनसंपर्क भी कल किया। किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को 2,00,000 समर्थकों के साथ RLP दिल्ली कूच करेगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस के वार्षिक निरीक्षण के लिए आए ADG गोविंद गुप्ता ने बताया है कि नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में कांस्टेबल लिखित भर्ती परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कोटा में लंबित पड़े हेड कांस्टेबल प्रमोशन टेस्ट भी लिए जाएंगे। यह प्रमोशन टेस्ट रेंज DIG के अंडर में होंगे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। अचानक तबीयत खराब होने के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला को SMS अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया है। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसी बीच वसुंधरा राजे ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। भीलवाड़ा जिले के जितियास में 4 दिन पहले मारपीट में घायल हुए DJ संचालक सांवरलाल जाट की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार को भीलवाड़ा कोटा हाईवे पर सवाईपुर में जाम लगा दिया। इस दौरान सरकारी बसों और कारों में तोड़फोड़ की गई। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता देख पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठियां भी चलानी पड़ी। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।